आकाश ने कहा, हमारे गांव के जंगल में एक शहर के लड़के का किसी ने खून किया है और उसकी लाश जंगल में ही मिली थी। रामलाल जी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? आकाश ने कहा, हाँ रामलाल जी, हमारे गांव के सब लोग बहुत डरे हुए हैं। रामलाल जी ने कहा, अच्छा तब तो हमें तुरंत वहां जाना होगा। आकाश ने कहा, रामलाल जी आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है अब। रामलाल जी ने कहा, देख भाई, मैं शिवगढ़ गांव का मुखिया हूँ तो इस नाते मुझे जाना होगा। आकाश ने कहा, रामलाल जी अब वो बात पुलिस को पता चल गया है और वहां पर जो भी उन्हें देखने जा रहा है वो लोग स्ट्रिक्टली सवाल पूछ रहे हैं। रामलाल जी ने कहा, मैं गांव का मुखिया हूँ, पुलिस मुझे आज या कल लाश के बारे में जरूर पूछेंगे। आकाश ने कहा, हाँ वो जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तब ही जाइए, अगर आप अब वहां गए तो बात बढ़ सकती है। रामलाल जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो आकाश, लेकिन इस बार अप्सरा ने उस आदमी को मारकर खाया क्यों नहीं? कोलकाता के कालीघाट में वरुण रहता था। वो एक नंबर वन सक्सेसफुल स्टोरी राइटर था। पूरे कोलकाता में वरुण की कहानियां बहुत ही ज्यादा फेमस थी। वरुण की कोई भी नई बुक रिलीज होती थी तो दो दिन के अंदर ही उसकी सारी किताबें बिक जाती थी। वरुण 24 साल का था। उसकी एक 22 साल की छोटी बहन थी, उसका नाम सीमा था। सीमा वहां के ही चरुंद्रा कॉलेज में बीकॉम लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। वरुण के माँ और पिताजी की 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वरुण ने अपने घर और सीमा को एक साथ अकेले संभाला था। मई 2021, उस रात वरुण अपने डेस्कटॉप पे स्टोरी राइटिंग का काम कर रहा था। वो अपने आप से ही बात कर रहा था, क्या करूं अब, इस स्टोरी को खत्म कैसे करूं? क्या मैं विशाल और रानी की शादी कराऊं या फिर उन्हें रिलेशनशिप में रख के ही? दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी वरुण कुछ और सोचने ही वाला था तभी रूम के बाहर से कुछ आवाज आई। कोई तो वरुण को धीरे से आवाज करके अपनी तरफ बुला रहा था। उसके बाद वरुण उस आवाज का पीछा करते करते सीमा के रूम में चला गया। उसने कहा, चलो सीमा बाहर आ जाओ, अब बहुत हो गई मस्ती। उसके बाद सीमा वरुण के सामने आ जाती है। उसे देखकर वरुण ने कहा, तुम अभी तक जाग रही हो? सीमा ने कहा, क्या भैया, पूरा मजा खराब कर दिया, आपको थोड़ा सा भी तो डरना चाहिए था ना। वरुण ने कहा, सॉरी मैं किसी से भी नहीं डरता, तुम ये बताओ कि तुम अब तक सोई क्यों नहीं? सीमा ने कहा, भैया आपको बर्थडे विश करना था, हैप्पी बर्थडे भैया। इस पर वरुण ने कहा, अरे आज तो 30th में है, मैं तो भूल गया था। अच्छा तुम्हें तो पता ही होगा ना सीमा कि मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। सीमा ने कहा, हाँ पता है, इसीलिए तो सिर्फ विश ही किया है। वरुण ने कहा, अच्छा ठीक है चलो अब सो जाओ। उसके बाद सीमा ने कहा, भैया आज मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हो गया है। वरुण ने कहा, ग्रेट, तो क्या हम सुबह कहीं घूमने जाएं? सीमा ने कहा, गुड आइडिया, लेकिन कोलकाता में कहाँ जाएंगे, बिकॉज सब जगह आपके फैंस होंगे और वो हमें प्राइवेसी भी नहीं देंगे। वरुण ने कहा, देखो सीमा, मेरे फैंस के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरे फैंस नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। सीमा ने कहा, हाँ लेकिन भाई फिर घूमने जाने का क्या फायदा? वरुण ने कहा, हम कोलकाता के बाहर घूमने जाने वाले हैं, महाराष्ट्र मुंबई में, हम वहां पर 1-2 महीने आराम से रहेंगे और एंजॉय करेंगे। सीमा ने कहा, अच्छा तो आप अपने वर्क से ब्रेक लेना चाहते हैं? वरुण ने कहा, हाँ मैं 2 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ।
सीमा ने कहा, ठीक है तो मैं हमारे बैग्स पैक कर लेती हूँ। वरुण ने कहा, क्या तुम्हें सोना नहीं है? सीमा ने कहा, अब तो रात के 3 बजे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, इसीलिए मैं जल्दी से हमारे लिए कुछ जरूरी सामान पैक कर लेती हूँ। वरुण ने कहा, ठीक है जो करना है करो, लेकिन मैं तो थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। सुबह के 7 बज चुके थे। सीमा तैयार होकर अपने कार के पास आ गई। कार में ऑलरेडी वरुण और उसका दोस्त लकी भी बैठा था। सीमा ने कहा, ये क्या कार के अंदर ये लकी भैया क्या कर रहे हैं? वरुण ने कहा, सीमा ये लकी भी हमारे साथ चलेगा। उसके बाद वो तीनों कार से सफर करने लगे। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी तभी अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता कट दिया और उस बिल्ली को देखकर लकी बहुत डर गया और उसने वरुण को गाड़ी रोकने के लिए कहा।